स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर 4 years बैक एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस फ्रीलांसिंग से यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिल्ड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड इवन कैन गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर और फ्रीलांसिंग को जैसा दिखाया जाता है ना वो बिल्कुल ऐसी होती नहीं है क्योंकि इन 3-4 सालों में मुझे जो समझ आया ना हो सकता है उससे आपका भी पर्सपेक्टिव बदल जाए फ्रीलांसिंग को लेकर सो व्हाट इज द सीक्रेट लेट्स फाइंड आउट सबसे पहली बात जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन ये हमने सुना तो बहुत बार है लेकिन इंप्लीमेंट बहुत ही कम लोग करते हैं मैंने देखा है अगर कोई फ्रीलांसर शुरुआत में स्टार्ट करता है तो वो बेसिक लेवल की स्किल सीख लेता है और उसके बाद क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट कर देता है अब उन्हें ये नहीं समझ आता है कि उनके जैसे इंडस्ट्री में सेम इतने कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट में जो सेम क्लाइंट को पिच कर रहे हैं तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि आपका पोर्टफोलियो और जो बंदा जिसके पास उस पर्टिकुलर स्किल में मास्टर लेवल है वो किसको चूज करेगा तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एक स्किल पकड़ो एंड मेक श्योर कि उसमें अपनी मास्टरी हासिल करो एंड मैंने ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि कई लोग फ्रीलांसिंग को ऐसा समझते हैं कि हम हर तरीके की स्किल्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग कोई कर रहा है तो उसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है उसे मोशन ग्राफिक्स भी करना है उसे इलस्ट्रेटर पर भी काम करना है उसे सब कुछ करना है बट ऐसा होता नहीं है यू हैव टू मास्टर वन स्किल और उसके बाद अपनी आगे स्किल्स पर मूव ऑन करो लेकिन जब बेसिक लेवल पर हो तो मेक श्योर कि सिर्फ एक स्किल से स्टार्ट करो और उसके बाद बाकी स्किल्स की तरफ बढ़ो और कई बार क्या होता है ना हमें ये नहीं समझ आता है कि हम किस लेवल पर पहुंच गए उस पर्टिकुलर स्किल में तो इसके लिए एक छोटू सा सजेशन देती हूँ जब आपको लगे कि आपने एक स्किल बहुत अच्छे से सीख लिया है सपोज करो वीडियो एडिटिंग की आपने क्लाइंट को पिच करना स्टार्ट कर दिया है तो व्हाट यू कैन डू आपको लग रहा है कि ये वाला क्लाइंट मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है ये कन्वर्ट हो सकता है तो उसे कुछ काम फ्री में दे दो उससे आपको समझ आ जाएगा अगर क्लाइंट एग्री करता है इट मींस यू हैव मास्टर्ड दैट स्किल और अगर क्लाइंट नहीं एग्री करता है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स अ लॉट मोर एंड इसके अलावा ऐसा नहीं है कि स्किल्स के कारण ही सिर्फ मना हो देयर माइट बी मेनी रीजंस कि क्लाइंट क्यों किसी को मना करता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर क्लाइंट ने आपके किसी काम को मना किया है देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन इट तो ये फ्री में काम देना स्टार्ट करो बट ऐसा भी मत करो कि आप जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं सबको फ्री में काम दे रहे हो ऐसा करो कि आपको जो लग रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है ये पोटेंशियल है मुझे इसके लिए काम करने का बहुत ज्यादा मन है उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालकर फ्री में काम दे सकते हो नंबर टू थिंग्स टेक टाइम इंसान कोई भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता है तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो एक महीने में ही बूम कर जाए और फ्रीलांसिंग भी तो एक ही तरीके का बिजनेस है हम अपनी स्किल्स को बेसिकली बेचते हैं आप मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात ले लो या फिर स्किल्स की बात कर लो दोनों को गेन करने में टाइम लगता है कोई भी बिजनेस ले लोगे तुरंत पैसा आता नहीं है फ्रीलांसिंग में भी आपको क्लाइंट्स गैदर करने में थोड़ा टाइम लगता है तो अगर आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखते हैं फ्रीलांसिंग से $1,000 महीना कमाओ $3,000 महीना कमाओ तो आप थोड़े से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड लेट मी टेल यू आप जो इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस देखते हो ना वो बहुत छोटा सा पार्ट है किसी की लाइफ का क्योंकि वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कोई भी स्टार्टिंग के एक महीने में 1-2 लाख रुपए नहीं कमाने लग जाता है पहले थोड़ा टाइम लगता है हार्डवर्क लगता है एंड देन ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप वैसी वीडियोस मत देखो क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको अंदर से एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं लेकिन अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे और ऐसा आप सोचने लग जाओगे कि मुझे एक महीने में इतने पैसे मिलने लगेंगे तो आप अपने आप को डीमोटिवेट कर लोगे और फिर होता है ना आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे आप एक ही पॉइंट पे स्टक रह जाओगे और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में ना यू कैन चूज एनी स्किल यू लाइक द मोस्ट फेसबुक एड्स हो गए गूगल एड्स हो गए ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर कंटेंट राइटिंग हो गई और हाँ कंटेंट राइटिंग से मेरे पास एक बहुत अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है क्विलबॉट इसके एक्सटेंशन में ना आपको 3 चीजें मिलेंगी ग्रामर चेकर पैराफ्रेजर और समराइजर ग्रामर चेकर में आपकी पंक्चुएशन स्पेलिंग्स आप सब कुछ सही कर सकते हो इसके अलावा इसके पैराफ्रेजर में आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो आपको ज्यादा उसे एकेडमिक बनाना है या फिर फॉर्मल बनाना है या फिर ज्यादा फ्रेंडली बनाना है ये टूल आपको सब कुछ करके दे देगा एंड इसके बाद आता है समराइजर आपके पास एक बहुत लंबी एकेडमिक राइटिंग है या फिर कोई ईमेल है और उसको आपको समराइज करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर ये क्रोम एक्सटेंशन ये भी कर देगा तो अगर आप कॉन्टेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग में हो वहां पर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो क्विलबॉट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टूल फॉर यू नंबर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रीलांसिंग में ये आती है कोई भी इनिशियल लेवल पे होता है ना स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके पास कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं रहते हैं या फिर कोई इनकम नहीं रहती है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप अपने कॉलेज डेज में हो या स्कूल डेज में हो या फिर एक ऐसी सिचुएशन में हो लाइफ में हो वेर यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने खुद के पैसे अभी पे नहीं करने हैं देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग वेरी इजिली अपने एम्पल टाइम में अपनी फेवरेट स्किल सीखना स्टार्ट करो क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करो क्योंकि आपके पास क्या होगा ना 6-7 महीने का 1-2 साल का रनवे रहेगा वेर यू डोंट हैव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनी और इनकम इन योर ओन लाइफ तो यहाँ क्या होता है यू कैन इजिली स्टार्ट फ्रीलांसिंग यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉट यू कैन डू एंड नॉट वॉट यू आर गोइंग टू अर्न एंड ट्रस्ट मी मैंने भी अपनी फ्रीलांसिंग कॉलेज डेज में स्टार्ट की थी मेरे पेरेंट्स मेरी फीस दे देते थे मेरा खर्चा रहना खाना सब कुछ कर देते थे तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी मुझे किसी को पैसे नहीं देने थे तो दैट वॉज द परफेक्ट टाइम वेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड आई ऑलवेज यू नो चेरिश दिस बेनिफिट कि अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो ऐसी जगह पर हो वेर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर आप बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड अगर आपने एकदम एकाएक डिसीजन बना लिया दैट यू हैव टू बी अ फुल
टाइम फ्रीलांसर, आपको फ्रीलांसर ही बनना है किसी स्किल को लेकर, देन इट माइट बी अ लिटिल हार्ड टू स्टार्ट, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसे बहुत अच्छे से करते हो एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड. नंबर फोर, फ्रीलांसिंग भी एक टाइप का बिजनेस ही है. यहाँ पर आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं. तो स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ यू सेल योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. आप क्लाइंट्स को कैसे पिच कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपने कुछ सीख तो लिया, बट आप उसको सेल कैसे करेंगे इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीलांसिंग. कोई एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, उसके पास भी स्किल्स हैं, बट उसे क्या होता है, दिन का कुछ टास्क मिलता है जो वो कंप्लीट कर लेता है. बट एज ए फ्रीलांसर यू आर अ वन मैन आर्मी. आपको अपने ईमेल्स भी मैनेज करने हैं, आपको अपने क्लाइंट्स को भी कन्विंस करना है, उनके साथ डेली कम्युनिकेशन भी करना है, अपना बजट भी मेंटेन करना है. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग, और यही सारी चीजें मिलकर एक बिजनेस बनाती है. तो यू जस्ट डोंट हैव टू लर्न यू नो सम काइंड ऑफ स्किल्स, यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू डू अ बिजनेस. क्योंकि जब तक ये नहीं सीखोगे कि अपने स्किल्स को सेल कैसे करते हैं, यू वोंट बी एबल टू डू गुड इन फ्रीलांसिंग. फोर्थ पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगी अपने फिफ्थ पॉइंट से, विच इज कॉन्टेंट क्रिएशन. एंड आई रियली वॉन्ट टू एम्फेसिस ऑन दिस, अगर आप किसी भी वे में अपनी स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉन्टेंट क्रिएशन इन टूडेज वर्ल्ड. बिकॉज मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो मैं 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, बट मुझे कोई जानता नहीं था. एज सून एज आई स्टार्टेड कॉन्टेंट क्रिएशन, मेरे पास इतनी नॉलेज थी डिजिटल मार्केटिंग की शेयर करने के लिए, विच पीपल स्टार्टेड लविंग इट. एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, आपको इस इंडस्ट्री की हर तरीके की नॉलेज है ना, तो आप ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह फोड़ दोगे. बस कॉन्टेंट क्रिएशन में एक ही लोगों को दिक्कत आती है कि कैमरे के सामने कैसे बात करेंगे. तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी फ्री, कैमरे को अपना फ्रेंड समझो, स्टार्ट टॉकिंग टू इट, और धीरे धीरे आप कैमरे के आदि भी हो जाओगे. एंड लेट मी टेल यू, कॉन्टेंट क्रिएशन इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द गेम इफ यू आर अ फ्रीलांसर. वहां पे आप बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हो. बिकॉज जब मैं कॉन्टेंट क्रिएशन नहीं कर रही थी, तो मुझे क्लाइंट्स को सामने से पिच करना पड़ता था. बट जब मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया है, तो आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो मैं फुलफिल भी नहीं कर पा रही हूँ. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में सोचिए, यू कैन स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल. एंड लास्ट पॉइंट में बस यही कहना चाहूंगी, बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट. क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और अगर आप ऐसे हैं जिसका पेशेंस लेवल अच्छा नहीं है, छोटी छोटी चीजों में यू गिव अप, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. काम करना स्टार्ट करो. थोड़ा बहुत मुश्किल तो हर बिजनेस में होता है, फ्रीलांसिंग में भी होता है, बट धीरे धीरे जैसे आप अपनी चीजें बढ़ाते जाओगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सक्सीडेड. और एक छोटी सी टिप, आप किसी भी इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मेक श्योर अपने पुराने काम से नया काम ज्यादा बेटर करो, और धीरे धीरे अपने काम में भी कंसिस्टेंट होते जाओ और उसे और बेटर बनाते जाओ, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट. एंड लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी कोई डीमोटिवेशनल वाली वीडियो नहीं है. मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उसके सजेशन भी दिए हैं, हाउ कैन यू इम्प्रूव, सो दैट मैं आपको ऑनेस्ट ट्रूथ बता सकूं, आपको समझ भी आए व्हाट एक्चुअली फ्रीलांसिंग इज, हाउ यू कैन स्टार्ट. सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग. आई होप आपको समझ आया होगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल.